हेलो बिच या माई लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, चेक कर। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज बिच या माई के अंदर आज के दिन जो हम लोगों का 3.4 का अपडेट आया है, वो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो आज जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई थी कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, तो आप लोग वो वीडियो वॉच कर सकते हो। इससे अगले वाले वीडियो में मैंने सारी फ्री इवेंट भी बताई थी जिसमें आप लोग फ्री रिवॉर्ड ले सकते हो, वो भी आप लोग वॉच कर लेना। इस वीडियो के अंदर गाइज हम लोग यहाँ पे एक और इवेंट के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आप लोगों को टोकन से आइटम्स रिडीम करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो इवेंट में थर्ड नंबर के अंदर आप लोग देखोगे तो पांचवें या छठे नंबर पे एयर ड्रॉप एक्सचेंज सेंटर करके आप लोगों को एक इवेंट देखने को मिलेगी जिसके अंदर आप लोगों को क्रिमसन टोकन करके लेना है और इसी टोकन से आप लोग यहाँ पर अलग अलग आइटम रिडीम कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट पर आप लोग देखोगे तो 200 क्रिमसन टोकन से आप लोग यहाँ पर एक अवतार है वो फ्रेम रिडीम कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड आप लोगों के पास यहाँ पे 100 होते हैं तो आप लोग यहाँ पे एक अवतार रिडीम कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखोगे तो पॉपुलैरिटी रिडीम करने का भी गाइज यहाँ पे ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे थीम टोकन है जो कि आप लोग यहाँ पे थीम शॉप के अंदर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद एजी करेंसी है। नेक्स्ट भी आप लोगों को अलग अलग टाइप की ग्रेफिटी और पैराशूट ट्रायल देखने को मिल जाएंगे। अब गाइज यहाँ पे आप लोग BGMI में कहीं पे भी देखोगे तो ये टोकन से रिलेटेड और कोई न्यू इवेंट नहीं है जिससे आप लोग ये टोकन ले सकते हो। बट मैं आप लोगों को अब यहाँ पर बताऊँ कि किस तरीके से आप लोग टोकन ले पाओगे, जिसके अंदर गाइज यहाँ पर साफ साफ ऊपर वाला जो यहाँ पर लिखा है उसमें यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मली आप लोग यहाँ पे एक दिन में 40 क्रिमसन टोकन ले सकते हो। ठीक है, एक दिन की जो लिमिट है वो 40 टोकन की है, 40 से ऊपर आप लोग यहाँ पे नहीं ले पाओगे। और गाइज ये जो टोकन है वो आप लोगों को क्लासिक मोड में गेम खेलने से मिलेंगे। जो थीम मोड हम लोगों का है उसको लगा के आप लोगों को खेलना है, जिसके थ्रू गाइज आप लोगों को यहाँ पे ये टोकन मिलेंगे। तो जब आप लोग यहाँ पे क्लासिक मोड के अंदर गेम खेलोगे ना तो एक गेम में आप लोगों को 10 टोकन की लिमिट है। ठीक है, एक गेम में अगर 10 से ज़्यादा भी आपको मिलते हैं तो आप लोग उठा नहीं पाओगे। एक गेम की यहाँ पर 10 टोकन की लिमिट है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए आप लोग यहाँ पर कौन सा मोड खेलोगे और कहाँ कहाँ पर आप लोगों को ये टोकन मिलेंगे। तो इसके लिए नॉर्मली आप लोगों को रैंक में फर्स्ट नंबर पे इरेंगल, सैनहॉक और लिविक है, तो तीन के अंदर आप लोगों को क्रिमसन वाला मोड देखने को मिलेगा। तो तीन में से कोई सा भी लगा के आप लोग खेल सकते हो, या फिर अनरैंक के अंदर भी ये तीनों मैप के अंदर ये वाला जो थीम मोड है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसमें भी कोई सा भी लगा के आप लोग खेल सकते हो। इस मिशन को आप लोग सोलो डुओ स्क्वाड किसी में भी कर सकते हो। तो रैंक में इरेंगल में जो मोड है उसमें सोलो लगा के अब गेम को यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ तो एक लोकेशन पे यहाँ पे मैं आई थी जहाँ पे मुझे टोटल मिला के 2 टोकन मिले थे। अब वैसे तो इस लोकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा टोकन मिल सकते हैं, बट 2 टोकन के बाद मैं मर गई थी इसलिए मैं ज़्यादा उठा नहीं पाई। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले टोकन बताऊँ, उसके बाद मैं आप लोगों को लोकेशन भी बताऊँगी। तो यहाँ पर आप लोग देखो, एक लोकेशन दूर था तो पैराशूट से मैं यहाँ पर आई थी और थोड़ा सा सर्च करने पर ही गाइस यहाँ पर क्रेट वेट भी अलग अलग लोकेशन पे रखे हुए हैं। तो क्रेट के अंदर से आप लोग देख सकते हो, जैसे ही मैंने ओपन किया था तो क्रेट के अंदर से भी मुझे यहाँ पे एक क्रिमसन टोकन है वो यहाँ पे मिल चुका है। तो चलिए एक बार मैं आप लोगों को बैकपैक के अंदर भी दिखा दूँ। तो आप लोग नॉर्मली देखो, बैकपैक में ये जो टोकन था वो मेरे यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो एक बार आप लोग यहाँ पर इस टोकन को उठाओगे उसके बाद आप लोग इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, वो आपके पास ही रहेगा, इसलिए शेयरिंग वाला आप लोग मत सोचना। तो एक टोकन मुझे गाइस यहाँ से मिल चुका है जो कि मुझे क्रेट ओपन करने से मिला है। उसके बाद चलिए अब मैं आप लोगों को लोकेशन बता देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को टोकन लेके भी दिखाऊंगी। तो मैप के अंदर आप लोग देखोगे तो टोटल 2 लोकेशन पे क्रिमसन कैसल करके आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी के लिए आप लोग देखो ऊपर स्टेलबर में है और एक यहाँ पे क्वेरी में है। क्वेरी के ऊपर की साइड आप लोग देख सकते हो, तो इसी लोकेशन पे गाइज आप लोगों को चले जाना है। बाकी आप लोग देखोगे तो ब्लू कलर वाले भी लोकेशन है जो कि वॉल्फ सेटलमेंट है, तो यहाँ पे भी आप लोग जा सकते हो। वैसे आप लोग मैप में कहीं पे भी छोटे छोटे घरों में जाओगे तो भी आप लोगों को ये टोकन मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप लोग टोकन लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर कैसल में जा सकते हो, या फिर ये जो वॉल्फ सेटलमेंट ब्लू कलर की लोकेशन है वो 2 जगह में से कहीं पर भी आप लोग जा सकते हो। तो पहले मैं फर्स्ट वाले लोकेशन पर गई थी जहाँ से मुझे एक टोकन मिला, उसके बाद वाले लोकेशन पे मैं यहाँ पे आई थी तो इसके पास से भी गाइज यहाँ पे मुझे दूसरा टोकन मिल गया था। तो ऐसे करके टोटल 2 टोकन मैंने ले लिए हैं। तो ये 2 टोकन अब आप लोगों को मिलेंगे कैसे, तो आप लोग यहाँ पे देखो, जैसे ही मेरी गेम ख़त्म हुई तो आप लोग गेम ख़त्म करने के बाद जब लॉबी में आओगे तो लॉबी में ही आप लोगों को
स्क्रीन पे ही दिखाया जाएगा कि आप लोग गेम में से कितने टोकन लेके आए हो। तो आप लोग देखो, मुझे यहाँ पर 2 टोकन मिले हैं और ये जो 2 टोकन हैं वो आप लोगों की डायरेक्टली इवेंट के अंदर काउंट हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देखो, इवेंट में पहले मेरे 0 टोकन थे, बट अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 2 टोकन मेरे काउंट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से गाइज, यहाँ पे एक गेम के अंदर से ज़्यादा 10 टोकन ले सकते हो। और डेली में अगर आप लोग क्लासिक मोड खेलते हो तो एक दिन की लिमिट 40 टोकन की है। ऐसे करके आप लोग यहाँ पे टोकन लेके फिर आइटम्स रिडीम कर सकते हो। तो आई होप आप लोग वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे। चले गाइज, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।